नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। हमारी ज्योग्राफी सीरीज चल रही थी और उसमें हमने एस्ट्रोनॉमी पार्ट को कवर कर लिया था। एस्ट्रोनॉमी के बाद हमने फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट की और वहाँ पर हम ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे। ओरिजिन ऑफ द अर्थ में हम दो थ्योरीज पढ़ चुके हैं, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट एंड नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। तो आज हम अपनी तीसरी हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, जो कि क्या है, प्लैटिसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन। किसने दी थी? चैम्बरलिन ने। तो ये थ्योरी कब दी? चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1905 में। इसको बोलते हैं ग्राणु परिकल्पना, अगर हिंदी में बात की जाए तो। तो जो चैम्बरलिन थे वो जियोलॉजिस्ट थे और जो मोल्टन थे वो एस्ट्रोनॉमर थे। दोनों एक ही जगह काम करते थे। कहाँ पर? दोनों बिलोंग करते थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जो कि कहाँ पर है, यूएसए में। तो दोनों ने मिलकर ही इस थ्योरी को दिया। तो प्लैटिसिमल हाइपोथेसिस ये बिलोंग करती है ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट को। हमने स्टार्टिंग में ही बताया मोनिलिस्टिक कॉन्सेप्ट और ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या है, एक ही इसमें जो साइंटिस्ट है या ज्योग्राफर है वो क्या बोलते हैं कि एक ही बॉडी से हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका ओरिजिन हुआ है। और ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हैं, दो बॉडीज से हमारी जो अर्थ है या सोलर सिस्टम है, हमने बताया था जो अर्थ का ओरिजिन की बात करेंगे तो समझो वही सोलर सिस्टम की ही बात हो रही है, अगर सोलर सिस्टम की थ्योरीज हैं वो एप्लीकेबल हैं कहाँ पर, ओरिजिन ऑफ द अर्थ पर। तो प्लैटिसिमल हाइपोथेसिस बिलोंग करती है किसको, ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट को। तो दो बॉडीज से मिलकर बना होगा, ये डिस्कस करेंगे अभी क्लियर हो जाएगा। प्लैटिसिमल हाइपोथेसिस वॉज द रिवाइवल ऑफ अर्लियर कोलिजन हाइपोथेसिस, जो बफन ने कब दी थी 1749 में, उसी का एक तरह से रिवाइवल है, पुनर्जन्म है। मीन्स उसी में कुछ संशोधन किए और उसी को बता दिया है। प्लैटिसिमल हाइपोथेसिस नॉट ओनली एक्सप्लेन द, देखिए यहाँ ओरिजिन ऑफ द अर्थ की बात तो हो रही है, इसके अलावा यहाँ पर फोकस किया गया स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पर, ओरिजिन ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर, जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, ओशियन बेसिन्स कैसे बने, ये सब इस हाइपोथेसिस में बताया गया। प्लैटिसिमल हाइपोथेसिस जो कि किसने दी, चैम्बरलिन और मोल्टन ने। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ की बात की जाए अगर इसमें प्लैटिसिमल हाइपोथेसिस में, तो अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, देखिए इन्होंने क्या बोला कि हमारी जो स्पेस है वहां पर क्या है, एक प्रोटोसन था, और एक कंपेनियन स्टार था। मान लीजिए हमारा कंपेनियन स्टार है। अब ये क्या है, जो हमारा कंपेनियन स्टार है ये क्या है, मूव कर रहा है। ये जो हमारा प्रोटोसन था ये कोल्ड पार्टिकल से बना हुआ है, सॉलिड पार्टिकल से बना हुआ है, और क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है। जो इसके पार्टिकल्स है वो किस में है, सर्कुलर फॉर्म में। तो ये हमारा जो कंपेनियन स्टार है ये मूव कर रहा था, मूव करते करते ये क्या है, जब हमारा जब जो हमारा प्रोटोसन है उसके पास आ जाएगा या उसके करीब आ जाएगा, हमारा जो कंपेनियन स्टार है प्रोटोसन के करीब आया, तो ये प्रोटोसन के जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या करेगा, डिटैच कर देगा, अपने ग्रेविटेशनल पुल से क्या कर देगा, डिटैच कर देगा, मतलब खींचेगा। तो वही छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है, डिटैच हो गए, किससे, प्रोटोसन से, हमारे से डिटैच होकर वहीं आसपास फैल गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स वर डिटैच्ड। और
और यही डिटैच पार्टिकल जो ये डिटैच हुए हैं, ये क्या है, इरेगुलर शेप में डिटैच पार्टिकल, यहाँ बना देते हैं डायग्राम, ये डिटैच पार्टिकल हैं जो भी, ये इरेगुलर शेप में है। इरेगुलर शेप बोले तो किसी का शेप बड़ा है, किसी का छोटा है। तो जो बड़े शेप के थे, जो बड़े शेप के, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे छोटे पार्टिकल्स को, अट्रैक्ट करेंगे छोटे पार्टिकल्स को, अट्रैक्ट करके फिर ये क्या है, प्लैनेट का ही फॉर्म ले लेंगे। ये किसने बोला है, हमने नहीं बोला, ये किसने बोला है, ये बोला है हमारे चैम्बरलिन साहब ने। ठीक है, आई होप ये हाइपोथेसिस आपको समझ आई होगी। एक बार और बता देते हैं कि हमारा जो स्पेस है वहाँ पर एक प्रोटोसन था, एक कंपेनियन स्टार था। प्रोटोसन कोल्ड सॉलिड और सर्कुलर पार्टिकल से बना हुआ था। देन कंपेनियन स्टार क्या है, मूव कर रहा था, मूव करते करते ये प्रोटोसन के करीब आया। जब करीब आया तो इसने क्या, अपने ग्रेविटेशनल पुल से, ये ग्रेविटेशनल पुल से क्या किया, पार्टिकल्स को डिटैच कर दिया। जो प्रोटोसन के पार्टिकल्स थे डिटैच होकर, जो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स डिटैच हुए, वो वहीं आसपास फैल गए। और जो पार्टिकल्स थे इरेगुलर शेप में थे, इरेगुलर शेप में जो बड़े बड़े शेप के थे, उन्होंने अट्रैक्ट किए छोटे पार्टिकल्स को, और किसके फॉर्म ले लिया, प्लैनेट की फॉर्म ले लिया। ये थी पूरी थ्योरी किसकी, हाइपोथेसिस चैम्बरलिन साहब की। तो यही सब है, यही लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन इनिशियली देयर वर टू हेवली बॉडीज, एक प्रोटोसन था और एक कंपेनियन स्टार था। प्रोटोसन किससे बना हुआ था, सॉलिड कोल्ड और सर्कुलर पार्टिकल से। और जब कंपेनियन स्टार पास में आया किसके, प्रोटोसन के, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स वर डिटैच फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ प्रोटोसन, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और चैम्बरलिन ने इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोला, प्लैटिसिमल बोला, यही हमने बताया है। और देन इसके बाद क्या हुआ, डिटैच पार्टिकल जो थे वो छोटे थे, मीन्स डस्ट पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल होती है। और डिटैच पार्टिकल या प्लैटिसिमल जो है, यूनिफॉर्म साइज के नहीं थे। ठीक है, मैंने बताया था इरेगुलर था, कोई बड़ा था कोई छोटा था। तो जो लार्ज प्लैटिसिमल थे वो क्या बन गए, एक तरह से नुकली की फॉर्म ले ली उन्होंने। इसके बाद क्या हुआ, जो लार्जर प्लैटिसिमल थे उन्होंने अट्रैक्ट किया किसको, स्मॉल प्लैटिसिमल को। देखिए, जो बड़े थे उन्होंने छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। देन इसके बाद क्या है, न्यूमरस स्मॉल प्लैटिसिमल वर एडिड टू द न्यूक्ली ऑफ लार्जर प्लैटिसिमल, वही है कि जुड़ते चले गए। और अल्टीमेटली क्या है, जो लार्ज प्लैटिसिमल है वो साइज में बड़े हो गए इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। तो उन्होंने किसका फॉर्म ले लिया, प्लैनेट्स का, ग्रह का। ठीक है, और जो प्लैनेट्स थे, प्लैनेट्स में हमारी अर्थ भी आती है, और ओरिजिन ऑफ द अर्थ ऐसे ही हुआ। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिमेनिंग प्रोटोसन किस में बदल गया, प्रेजेंटेशन में बदल गया। जो प्रोटोसन हमने बताया था वो किस में चेंज हो गया, प्रेजेंटेशन में। और सैटेलाइट भी सेम ऐसे ही बने, जो प्लैनेट्स की सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, उपग्रह, वो भी सेम ऐसे ही बने ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ द सेम प्रोसेस। ठीक है, यही है। नोट में देख लीजिए, जो फोर्स लगाई थी वो टाइडल फोर्स थी, जिन्होंने प्लैटिसिमल को क्या किया था, डिटैच किया था, इजेक्ट किया था, जो प्रोटोसन से कंपेनियन स्टार ने जो पार्टिकल्स को डिटैच किया, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से या टाइडल फोर्स की वजह से। तो ये हमारा ओरिजिन ऑफ द अर्थ था। अब हम इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ देख लेते हैं कि चैम्बरलिन साहब ने क्या बताया इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में। उन्होंने क्या बोला चैम्बरलिन साहब ने, उन्होंने ओरिजिन ऑफ द अर्थ के साथ साथ इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की भी बात की थी। अब कितनी सच थी कितनी झूठ थी देख लेते हैं। तो उन्होंने अटेम्प्ट किया था डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द अर्थ थ्रू स्पेसिफिक स्टेज। इन्होंने तीन स्टेज की बात की है, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। स्टेज वन देख लेते हैं हम। उन्होंने बोला है पीरियड ऑफ प्लैटिसिमल एक्सेसेशन, इसमें इन्होंने प्लैटिसिमल एक्सेसेशन की बात की है। इसमें क्या बोला है, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, ग्रह कैसे बने,
और सन कैसे बना हमारा, सैटेलाइट कैसे बनी, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर कैसे बना, और ओरिजिन ऑफ हीट कैसे आई जो हमारे अर्थ पर है। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एटमोसफेयर देख लेते हैं पहले। तो इसमें चेम्बरलिन साहब ने बोला कि इनिशियली कोई एटमोसफेयर नहीं था हमारी जो अर्थ है, तो ये कैसे बना, दो बेसिक सोर्स की वजह से बना। दो बेसिक सोर्स कौन से हैं, एक्सटर्नल सोर्स इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में उन्होंने बोला है व्हेन द अर्थ ग्रो इन साइज इट बिकम सक्सेसफुल इन कैप्री। जब अर्थ देखिए पहले हमने क्या बोला, छोटे जो पार्टिकल्स थे इरेगुलर शेप में थे, फिर अट्रैक्ट किए छोटे पार्टिकल्स ने, जुड़ गए, जुड़ने के बाद प्लैनेट बना हमारा। प्लैनेट बना तो हमारी अर्थ पहले छोटा साइज था, फिर साइज बढ़ता गया, तो जैसे ही साइज बढ़ता गया तो उन्होंने फ्री जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल थे उनको कैप्चर किया, ठीक है। और इंटरनल सोर्स में जो वोल्केनिक इरप्शन है, ज्वालामुखी का जो विस्फोट हुआ, जो उससे गैसेस निकली CO2 वाटर वेपर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो इन्हीं की वजह से क्या हुआ, हमारा एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ओरिजिन ऑफ हीट की बात की जाए तो इसके तीन रीजन दिए इन्होंने, ड्यू टू म्यूचुअल कोलिजन ऑफ प्लैटिसिमल्स। देखिए अभी हमने बताया था प्लैटिसिमल, तो जब पार्टिकल्स अट्रैक्ट होंगे एक जगह तो वहां पर हीट भी जनरेट होती है, ठीक है। इंक्रीज ऑफ प्रेशर ड्यू टू एक्रीशन, जो प्रेशर इंक्रीज होगा तो हीट भी जनरेट होगी, ठीक है। पार्टिकल जब जुड़ने लगे थे तो वो क्या है, वहाँ पर फ्रिक्शन होगा, प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर होगा तो हीट भी जनरेट होगी। थर्ड रीज़न क्या बताया, प्रेशर जनरेटेड बाय अबव लाइंग लेयर, और जो जैसे लेयर होती है ना, जैसे एक लेयर ये है, एक ये लेयर ये है, ये क्या है, ऊपर वाली लेयर पार्टिकल्स को क्या करेगी, प्रेशराइज करेगी, तो वहाँ पर भी हीट जनरेट होगी। ये तीन रीजन थे ओरिजिन ऑफ हीट के। स्टेज टू में, पहली स्टेज में उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर और ओरिजिन ऑफ हीट की बात की। स्टेज टू में पीरियड ऑफ डोमिनेंट वोल्केनिज्म की बात की है कि क्रेटर कैसे बने, क्रेविक्स कैसे बने, कॉन्टिनेंट कैसे बने, ओशियन कैसे बने। देखिए स्टार्टिंग में क्या है, क्रेटर था, क्रेटर बोले तो छोटा गड्ढा टाइप था, ठीक है। देन इसके बाद इरोजन हुआ, इरोजन हो के इसमें क्या हुआ, ये साइज में बड़ा हो गया, लेक्स बन गए, झील बन गई, झील से फिर क्या हुआ, फिर इरोजन हुआ इसका, देन इरोजन के बाद बिग लेक्स बनी, इरोजन हुआ उसके बाद क्या बन गए, ओशियंस बन गए, जो हमारे समुद्र हैं वो बन गए। तो ये किसने बोला है, ये बोला है चेम्बरलिन ने, चेम्बरलिन ने, ठीक है, ये उनकी ही हाइपोथेसिस चल रही है। तो स्टेज थ्री में क्या बोला, एक्चुअल जियोलॉजिकल पीरियड, इसमें कुछ खास नहीं, फाइनल स्टेज है इनकी स्टेज थ्री, इसमें क्या है, डोमिनेंट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की बात की है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ में वोल्केनिसिटी की, फोल्डिंग फोल्टिंग कैसे हुई, फोल्ट माउंटेंस कैसे बने फोल्डिंग के थ्रू, उसकी बात की है। सबमर्जेंस इमरजेंस, ठीक है, इन सब की ही बात की और कुछ नहीं है इसमें। तो तीनों स्टेज समझ आई होंगी आपको इनकी, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, सेकेंड स्टेज में पीरियड ऑफ डोमिनेंट वोल्केनिज्म कैसे हमारे ओशियन बने, थर्ड में फिर टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की बात की है। तो ये इनकी तीन स्टेज हैं किसकी, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की। तो हमने अब तक ओरिजिन ऑफ द अर्थ कवर किया है और इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की बात किया, कौन सी थ्योरी, प्लैटिसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चेम्बरलिन। तो देखिए कोई भी थ्योरी है उसमें या हाइपोथेसिस है उसमें क्रिटिसिज्म होना जरूरी है। क्रिटिसिज्म क्या क्या है, क्रिटिसिज्म की बात की जाए, अगर रिसेंट एस्ट्रोनॉमर की मानी जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर प्लैटिसिमल टू फॉर्म ऑर्बिट अराउंड सन विदाउट बीइंग डिफ्यूज, बिना डिफ्यूज हुए प्लैटिसिमल कैसे सन के चारों तरफ घूम सकते हैं, कैसे ऑर्बिट बनाया, ये चेम्बरलिन साहब ने नहीं बताया। तो
पहला क्रिटिसिज्म यही है। दूसरा, दे डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट साइज ऑफ प्लैनेट्स, उन्होंने साइज की ही बात नहीं की, कौन छोटा प्लैनेट है, कौन बड़ा है, किसका साइज कैसा है, तो उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, तो एक क्रिटिसिज्म ये भी है। तीसरा क्रिटिसिज्म क्या है, वाई ओनली 8 प्लैनेट, अब तब उन्होंने 9 बताए थे, अब 8 हैं, तो 9 या 8 प्लैनेट ही क्यों, इससे ज़्यादा क्यों नहीं, 100 प्लैनेट क्यों नहीं, तो ये जवाब चैम्बरलिन साहब नहीं दे पाए, कोई आंसर नहीं दे पाए इसका, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म। देर इज नो एक्सप्लेनेशन इन चैम्बरलिन हाइपोथेसिस अबाउट द प्लैनेट्स ऑफ द आउटर सर्कल विच आर वेरी लो, तो उन्होंने चैम्बरलिन ने जो बात की है, जो प्लैनेट्स हैं आउटर सर्कल में हमारे, जोवियन हमने बताए थे, जोवियन प्लैनेट, टेरिस्टियल प्लैनेट, तो उन्होंने आउटर सर्कल के जो प्लैनेट्स हैं उनकी बात ही नहीं की कि इनकी डेंसिटी लो क्यों होती है, गैसियस स्टेज में क्यों है, तो ये जवाब भी नहीं दिया, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, ये भी क्रिटिसिज्म है चैम्बरलिन का। आगे बात की जाए तो उन्होंने एंगुलर मोमेंटम की बात ही नहीं की, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं की, ये भी एक क्रिटिसिज्म। द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन अनरीजनेबल है, यही कि ऐसे कैसे बन सकता है, एक क्रेटर है, वो इरोजन हुई, फिर लेक बनी, बिग लेक बनी, देन ओशियन बना, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ओशियन बन जाएगा क्या, एक आप क्रेटर से ओशियन बना सकते हो, तो ये अनरीजनेबल है, ठीक है। और हमारी जो प्रिमिटिव अर्थ थी वो लिक्विड स्टेट में भी थी, ये भी एक, जो कॉन्टिनेंट और ओशियन की बात की है इन्होंने, ये बिल्कुल अनरीजनेबल है। नेक्स्ट बात की जाए, प्लैटिसिमल हाइपोथेसिस प्रेजेंट रॉन्ग नोशन अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग नोशन है। कैसे, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर अभी बताया था कि वोल्केनो विस्फोट हुआ, गैस इसे निकली और इससे ही हमारा एटमॉस्फेयर का ओरिजिन हो गया, तो और भी रीजन थे, सिर्फ वोल्केनो से ही क्या एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन थोड़ी हुआ था, तो ये रॉन्ग नोशन था किसका, प्लैटिसिमल हाइपोथेसिस का। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।